हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इंडियन ब्रांड लावा ने इंडिया के अंदर लावा अग्नि 3 5G स्मार्टफोन को अंडर 20,000 पर लॉन्च करके पूरा स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हिला दिया है, जिसके वजह से गाइस फोन का डिमांड इतना ज्यादा है कि प्री ऑर्डर करने के बाद भी मेरे पास स्मार्टफोन डिलीवरी होने में 5 दिन के ऊपर टाइम लग गया। बट फाइनली मेरे पास ये स्मार्टफोन डिलीवरी हो गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ गाइस कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई लोग प्राइसिंग की बात करें तो अमेज़न के ऊपर इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज का करंट प्राइस है 21,000 रुपीज, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर आप लोगों को 1,500 का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये स्मार्टफोन आफ्टर बैंक ऑफर आप लोगों को सिर्फ 19,500 रुपीज के अंदर मिल सकता है। तो आज हम इस स्मार्टफोन को अंडर 20,000 प्राइस रेंज के हिसाब से जज करने वाले हैं। और अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अंडर 20,000 के हिसाब से स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो चलो भाई लोग बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। लावा अग्नि 3 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.78 इंच 1.5K HDR 10+ 10 bit 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X, एक 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है, बैटरी है 5000mAh प्लस 66W इनबॉक्स चार्जर। लेकिन गाइस 21,000 का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर कोई भी इनबॉक्स चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाइस, ये स्मार्टफोन के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जहां पर मेन सेंसर है 50MP विद YS 8MP टेलीफोटो लेंस प्लस EIS और 8MP अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट कैमरा है 16MP का। इस स्मार्टफोन के अंदर दो रैम और स्टोरेज वेरियंट है, 8 128GB विदाउट चार्जर जिसका प्राइस है 21,000, उसके बाद 8 128GB विथ चार्जर 23,000 और 8 256 विथ चार्जर 25,000। लेकिन आफ्टर बैंक ओवर तीनों वेरिएंट के ऊपर आप लोगों को 1.5 से 2,000 तक कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। सो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमारा डिवाइस है लावा अग्नि 3 5G, नेक्स्ट एक 1 ईयर फ्री होम रिप्लेसमेंट पॉलिसी का कार्ड, एक सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब लावा की तरफ से लाभ लेटर, एक सॉफ्ट सिलिकॉन का टीपीयू केस, एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और एक 66W का फास्ट अडैप्टर। सो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो सभी चीजों को साइड में के सीधा गेम के तरफ चलते हैं। और गेम के अंदर आने के बाद गाइस सबसे पहले गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करते हो, सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 160 और रेड डॉट 120, और ग्राफिक्स में पहले से मैक्स के ऊपर सेट करके रखा क्योंकि 20,000 का स्मार्टफोन है तो मैक्स ग्राफिक्स तो बनता ही है। उसके साथ IPS कलर फिल्टर शैडो हाइटनेस सब कुछ मैक्स के ऊपर सेट है। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले CS रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। First doom. Legends never die. They never lose hope when everything's cold and fighting's new. Keep in their bones, so I can get cold when the fire is fierce. Don't pick yourself up, guys.
सो गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस रैंक मैच का कुछ गेम प्ले को यहाँ पर देख लिया, तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहां पर देख लिया, तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले की बात करें तो लाभा ने गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट यूज किया है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X 120,000 की जब से एक डिसेंट चिपसेट बोल सकते हो। हाँ, गेमिंग चिपसेट तो नहीं, लेकिन ओवरऑल एंटूटू स्कोर अगर देखोगे तो 7 लाख के करीब एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। फैब्रिकेशन प्रोसेस भी भाई बहुत बढ़िया है 4 नैनोमीटर का। तो प्राइस रेंज के हिसाब से एक बैलेंस चिपसेट लाभा ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से गाइस आप लोग मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस रैंक मैच को आराम से खेल सकते हो। बट फुल मैप रैंक मैच के अंदर कभी कभी मैंने हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस किया था, लेकिन मेजर कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स जैसे इशू नहीं है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट डिस्प्ले और सेंसिटिविटी की बात करते हैं, इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर 20,000 की सबसे काफी अच्छा डिस्प्ले का यूज किया है लाभा ने, क्योंकि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन देखोगे तो 1.5K 10 बिट HDR 10 प्लस कार्व्ड एमुलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज तो काफी बढ़िया बोल सकते हो। उसके साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने के वजह से गेमिंग के टाइम मेरे को तो सेंसिटिविटी को लेकर कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ा। फोन प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव फील होता है। नेक्स्ट गाइस, बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5000mAh का मैसिव बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, और 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ कार्व्ड एमुलेट डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी परफॉर्मेंस मेरे को डिसेंट लगा है। अब लोग आराम से मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर 5 घंटे तक तो फ्री फायर मैक्स गेम को खेल सकते हो। और इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर ही 66 वाट का फास्ट चार्जर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यह स्मार्टफोन 40 to 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, 21,000 का जो वेरियंट है उसके अंदर कोई भी चार्जर आप लोगों को इनबॉक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। चार्जर के लिए आप लोगों को 23,000 वाला वेरियंट परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रियर साइड के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर मेन सेंसर है 50MP विद OIS प्लस 8MP टेलीफोटो लेंस, जो इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके साथ ही 8MP अल्ट्रा वाइड लेंस का भी लाभा ने यूज किया है। तो कैमरा सेटअप तो भाई प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया बोल सकते हो, और इस तरीके का कैमरा सेटअप अंडर 20,000 पर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो अंडर 20,000 के हिसाब से कैमरा क्वालिटी डिसेंट है। लाभा का जो प्रॉब्लम है इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, कभी कभी इमेज को हल्का सॉफ्ट कर देता है, तो सॉफ्टनेस का इशू अगर फिक्स हो जाएगा तो मेरे हिसाब से अंडर 20,000 पर एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है लाभा अग्नि 3 5G। उसके साथ ही 16MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, जो प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज बोल सकते हो। इसके अलावा गाइस, इस स्मार्टफोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस, पीछे के साइड एक डेडिकेटेड डिस्प्ले, मतलब इस स्मार्टफोन के अंदर 12 AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा, जो गाइस इस स्मार्टफोन का मेन हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन है, जो इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को अभी के टाइम पर तो देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कुछ खटर मटर चटपटा सेंसर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, ये था लाभा अग्नि 3 5G स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर, क्या अंडर 20,000 की सबसे इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं।
तो गाइस देखो प्राइस इनकी सबसे फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को एवरेज लगा है, और ये गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए गेमिंग को लेकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। और अगर सिर्फ गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इसी प्राइस रेंज के अंदर पोको X6 प्रो, इन्फिनिक्स GT20 प्रो जैसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन भाई लोग फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और इस स्मार्टफोन के यूनिक फीचर से डुअल डिस्प्ले का सपोर्ट जो इस स्मार्टफोन को अंडर 20,000 पर एक यूनिक स्मार्टफोन बनाता है। इसलिए अगर आप लोग एक ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन लेना चाहते हो विथ सम यूनिक फीचर्स तो आप लोग लावा अग्नि 3 5G स्मार्टफोन की तरफ दे सकते हो, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस स्मार्टफोन को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो लिंक से जाकर परचेस करना, चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। चलो मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।